हेलो एवरीवन, नमस्कार। ये देखते हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में। अपना जो अगला स्टॉक है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, आईजीएल है। आईजीएल की बात करें, देखिए 2.05 रूपये गिरावट के साथ 437.15 रूपये पे क्लोजिंग दिया है। इसका सपोर्ट अगर ड्रा करते सबसे पहले मेरे हिसाब से जो सपोर्ट रहेगा ये 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसी करीब में फर्स्ट सपोर्ट ले सकता है। सेकेंड सपोर्ट की बात करें, सेकेंड सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, इसका लो 396 करीब में। और थर्ड सपोर्ट की बात करें, देखिए 374 करीब में आपको तीसरा सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी करना क्या है, अभी देखिए ये जो जा रहा है अभी प्राइस एक्शन बना के जा रहा था बट सस्टेन नहीं किया। यहाँ पे देखिए दो चार दिन कंसोलिडेट किया फिर नीचे की तरफ आ गया। अभी यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करता तभी आप उसमें एंट्री लीजिएगा, क्योंकि अभी ये डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। जब तक 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो पॉजिटिव में कंसिडर करेंगे, बट जब तक कोई रेंज बनाता है, रेंज बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं, बायर आते हैं। जब तक ज्यादा बायर नहीं आएंगे तब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा। अगर सडन यहाँ जाता है तो यहाँ पे जाने पर फिर नीचे चला आएगा तो वो सस्टेनेबल नहीं रहता। जैसे यहाँ दो चार दिन और कंसोलिडेट करता है फिर ऊपर की तरफ जाता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट आप 480 करीब में रखेंगे। जैसे इसको क्रॉस करता है तो उसके बाद आपका टारगेट 520 के करीब में होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस आप ये फर्स्ट स्टॉप लॉस इतना रहना चाहिए, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला ये और थर्ड वाला स्टॉप लॉस इतना रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अभी इसमें एंट्री बनाने का कोई पैटर्न नहीं बन रहा तो इसमें तो अवॉइड कीजिए। जैसे कुछ समय आता है कंसीडर करते रहिए, इसमें देखते रहिए, जैसे कुछ समय आता है उसके बाद इसमें एंट्री लीजिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी कोई पैटर्न ही नहीं बना, तो विदाउट पैटर्न एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।